हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो थोड़ी सी लेट स्टार्ट हो रही है। एक्चुअली उठ तो गई थी मैं एक डेढ़ घंटे पहले, और मैं उठ के बेड पे ही अपने क्लासेस जो भी करना था वो अटेंड करने वाली थी, पढ़ने वाली थी। बट फिर मैंने सोचा कि अगर मैं यहाँ पर सोई रहूँगी तो फिर मैं और ज़्यादा लेज़ी बनी रहूँगी। लेज़ी इसलिए बिकॉज आई एम ऑन माई पीरियड, और इसमें तो फिर सब लेज़ी लेज़ी ही लगता है मेरे को तो ऐसे ही लगता है कि लाइक कुछ ना तो करने का मन होता है ना तो कुछ पढ़ने का मन होता है, बस सोए रहो सोए रहो सोए रहो। बट ऐसे नहीं चल सकता ना, मतलब कुछ ना करने से अच्छा है कुछ तो करो तो वो होता है। तो बस बस इसलिए आ गई मैं यहाँ पे टेबल के पास पढ़ने, क्योंकि यहाँ पे पढ़ूँगी ना तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव रहूँगी। यहाँ पे कोई सोने वोने जैसा ऑप्शन नहीं है ना कि हाँ बैठे हो तो बैठे ही रहना है। बेड पे तो थोड़ा सा लगेगा कि हाँ लेट जाओ। और अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि कैमरे को टाइफाइड हो गया है, सो प्लीज़ उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगी। ये कैमरा काम करते 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 पता नहीं कैसा हो जाता है, कभी ज़्यादा लाइट हो जाता है कभी कम लाइट हो जाता है। मुझे अच्छे से चलाना सीखना पड़ेगा इसे। आईफोन से मैं शूट नहीं करती थी, मेरे पास दूसरा फ़ोन था मैं उससे शूट करती थी, बट वो कैमरा थोड़ा सा मेरे को अब लग रहा है कि थोड़ा ख़राब हो गया है या फिर क्वालिटी वैसी थोड़ी लग रही है, तो मैंने सोचा चलो इससे शूट करते हैं। तो ठीक है, कभी कभी इधर उधर हो जाता है कैमरा तो थोड़ा फोकस नहीं कर पाता है, फिर मुझे देखना पड़ता है। बाकी बढ़िया है, सब ठीक है। और अभी मैं पढ़ रही हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये आप लोग गेस करो कि मैं कौन सा चैप्टर पढ़ रही हूँ। पहले देखा तो नहीं, मे भी पता नहीं देखा कि नहीं देखा, लेकिन आगे इस करके बताना कि मैं कौन सा चैप्टर पढ़ रही हूँ। और जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले बताया हुआ है कि मैं इनऑर्गेनिक के कोई भी नोट्स नहीं बनाऊँगी, मैं इसके लिए मैं NCERT ही फॉलो कर रही हूँ। बेसिकली मैं फिजिकल केमिस्ट्री के जो जितने भी चैप्टर्स हैं मैं उनके नोट्स बना रही हूँ, ऑर्गेनिक के मैं नहीं बनाऊँगी। हाँ, जो लगेगा एक दो चैप्टर का बनाना चाहिए उसके मैं बना लूँगी, क्योंकि ऑर्गेनिक के मैंने अच्छे से नोट्स बनाए हैं। और ये रही इनऑर्गेनिक के, तो इनऑर्गेनिक मैं NCERT से सब कुछ करूँगी। हाँ, शॉर्ट नोट्स हैं मेरे पास इनऑर्गेनिक के, सो मैं उसको देख लूँगी। बाकी फिजिकल केमिस्ट्री के जो भी चल रहे हैं वो मैं बना रही हूँ। इनऑर्गेनिक के भी लगेगा एक दो चैप्टर जो नहीं अच्छे से आया, नहीं अच्छे से पता है, तो उसके बना लूँगी। मतलब ऐसा है ना कि हाँ, जो अपने को पता होता है ना कि क्या चीज़ें हमें अच्छे से आती है क्या चीज़ें हमें अच्छे से नहीं आती है, किस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है किस पर ज़्यादा फोकस करने की नहीं ज़रूरत है, तो उस हिसाब से। सो मैं बस ये बोलूँगी कि आप लोग भी किसी का देख के ये मत किया करो कि कोई वो नोट्स बना रहा तो मैं नोट्स बना लूँ, मैं वो उससे पढ़ रहा तो मैं उससे पढ़ लूँ, तो किसी का देख के मत करो। सबका अपना अपना तरीका होता है। आप अपने लिए सोचो कि आपके लिए क्या कंफर्टेबल है। कंफर्टेबल तो नहीं बोल सकते, मतलब आपके लिए क्या क्या सही है, कि आपके लिए नोट्स बनाना सही है या नहीं है, आपके लिए NCERT फॉलो करना सही है या नहीं सही है। क्योंकि जब तक आप, अगर आपको अच्छे से कोई चैप्टर क्लियर नहीं है तो उसके लिए आपको नोट्स बनाना पड़ेगा, क्योंकि नोट्स बनाओगे टीचर के लेक्चर्स फॉलो करोगे तो अच्छे से समझ में आएगा, फिर आप NCERT पढ़ोगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। पहली बार आप NCERT उठा लोगे पढ़ने के लिए तो आपको समझ में नहीं आएगा, पहले आपको टीचर्स की हेल्प या फिर नोट्स की हेल्प आपको लेनी ही पड़ेगी। सो अभी ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है, मैंने सोचा मैं एक बार समरी भी कर लूँ, बिकॉज समरी इंपॉर्टेंट होती है हर एक चैप्टर का करना। उसमें कुछ ना कुछ एक आक अलग से लाइनें मिल ही जाती हैं जो मतलब लगता है कि हाँ वो चैप्टर में नहीं है, यहाँ पे दिया गया है। एक दो वैसा कुछ नहीं, एक दो, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है समरी, तो मैंने सोचा समरी कर लूँ। लेकिन मैं अब बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ। एज यू कैन सी अभी हो रहे हैं 11:35, और अब मेरे को लगी बहुत तेज़ वाली भूख। सो मैं जा रही हूँ कुछ खाने, ये वाला सैम्पल समरी मैं आके कर लूँगी थोड़ा टाइम बाद। और मौसम काफ़ी धूप भरा हुआ है, धूप भरा हाँ मतलब धूप वाला है। और इस वाले पेड़ पे ना एक कबूतर बैठा हुआ है। जूम करती थोड़ा मैं, देखती आपको दिखते हैं कि नहीं। मेरी आँखें बहुत तेज़ है हाँ, क्योंकि मैं स्पैक्स यूज़ करती हूँ। देखती हूँ आपकी आँखें कितनी तेज़ है। मैं बात करने वाली हूँ आप लोगों से एक गुड न्यूज़ के बारे में। वो गुड न्यूज़ ये है कि मैंने अभी कुछ दिन पहले ही आप लोगों से बताया था कि PW के ऐप में दिवाली मेला ऑफ़र चल रहा है, जो कि 31st October था, जो कि लास्ट डेट था, वो डेट एक्सटेंड हो गया है 10th November तक। सो ये गुड न्यूज़ बेसिकली उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी तक कोई बैच परचेस नहीं किया है। अगर आपने अभी तक कोई बैच परचेस नहीं किया है, कोई कोर्स परचेस नहीं किया है और करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो, क्योंकि अभी भी आपके पास टाइम है।
और यू नो कि अभी तो नीट और जेई का एग्ज़ाम डेट भी आपको पता चल गया है। PW के सारे कोर्सेज़ आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएंगे। साथ ही PW लेकर आया है न्यू फास्ट ट्रैक कोर्सेज आपके लिए, एंड यू नो व्हाट, ये फास्ट ट्रैक कोर्सेज बहुत कम अमाउंट में अवेलेबल है फॉर क्लास 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, JEE, NEET, फ्रेशर्स के लिए भी और ड्रॉपर्स के लिए भी। सो जो भी कोर्सेज और बैचेस परचेज करना चाहते हैं आप, उसके लिए आप डेमो और लेक्चर्स भी ले सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, PW के स्टडी मटेरियल्स और साथी पर भी बिग डिस्काउंट्स आपको मिल रहे होंगे। ये ऑफर 10th ऑफ नवंबर तक ही वैलिड है, एंड फॉर एडिशनल डिस्काउंट आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं ROL150, जिससे आपको 150 rupees का डिस्काउंट मिल जाएगा। आई नो डिस्काउंट्स किसको नहीं पसंद होते हैं, सो आप यूज़ कर सकते हो और डिस्काउंट ले सकते हो। सो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा कूपन कोड मिल जाएगा टू चेक इट आउट। और अभी मैं लेक्चर्स अटेंड कर रही थी, उसके बाद से मैंने शूट नहीं करा था। क्यों नहीं करा था? क्योंकि मेन लाइट जो थी वो चली गई थी, सिर्फ इन्वर्टर की लाइट थी, तो उस टाइम मुझे लग रहा था कि वीडियो शायद डल थोड़ी आ रही होगी, क्लियरिटी नहीं होगी, तो मैंने आगे शूट नहीं करा था। और अभी मैं रिवाइज कर रही हूँ आयनिक इक्विलिब्रियम, क्योंकि इसके क्वेश्चन मुझे करने हैं। सो आई थॉट कि पहले इसको कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं एक बार, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। और ये लास्ट ब्लॉग है मेरे घर से, क्योंकि कल मैं हॉस्टल जा रही हूँ, सो ऑब्वियसली ये आखिरी वीडियो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, ये स्टडी टेबल का। उसके बाद हॉस्टल वाली स्टडी टेबल आपको देखने को मिलेगी। फिर वैसे जाने का मन तो नहीं कर रहा है, किसका मन करता है यार अपने घर को छोड़ के जाने का, बट ठीक है, कभी कभी चीज़ें ये सब होती हैं, लाइफ है, तो फिर आना जाना तो लगा रहता है। और आप में से काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि दी हॉस्टल कब जाओगे, लाइव स्ट्रीमिंग कब स्टार्ट करोगे, तो बस जाते हैं उसके बाद ही लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट करेंगे। एंड आई नो कि मैं थोड़ा सा ज़्यादा घर पे रुक गई, क्योंकि थोड़ा सा काम था मेरा, मतलब अर्जेंट काम था, क्योंकि मैं वहाँ पर जाती तो फिर आके करती तो वो नहीं हो पाता, इसलिए मैंने सोचा कि सब करके ही चलते हैं, क्योंकि बार बार फिर मुझे आना ना पड़े। एंड यू नो कि ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, सो मैंने तो सोचा था मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी, बट अब आगे पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि मुझे सुबह 5 बजे की मेरी ट्रेन है, तो मुझे सुबह एटलीस्ट 4 तक तो उठना ही है सो के। सो मैं इसे पढ़ने के बाद, मतलब रिवाइज करने के बाद मैं जा रही हूँ सोने। मैं आप लोगों से मिलूँगी हॉस्टल में। टिल देन टेक केयर गाइज, एंड या थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट 100K फैमिली बनाने के लिए। अभी तक मैं उस जोन से निकली नहीं हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल था और है, एंड ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से पॉसिबल हो पाया है। आई नो मैं कुछ और ज़्यादा नहीं बोल सकती, कुछ और नहीं कर सकती, लेकिन एप्रिसिएशन तो बनता है। बट भगवान करे ऐसे सब कुछ चलता रहा तो इन फ्यूचर मैं कुछ ना कुछ बहुत अच्छा करूँगी आप लोगों के लिए इस चैनल के थ्रू। सो या आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।